नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आगम सिंह सिसोदिया। रणथंभौर नेशनल पार्क में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम सफारी करने जा रहे हैं जोन नंबर 5 में। जैसा कि आपको पता है, रणथंभौर नेशनल पार्क में टोटल नंबर ऑफ जोन्स 10 है, 10 जोन है यहाँ पर। तो आज हम एक यूनिक जोन में सफारी करने जा रहे हैं जो कि है जोन नंबर 5, जो कि काफ़ी अच्छा और काफ़ी एंटरटेनिंग एक्सपीरियंस होने वाला है। तो आइए हमारे साथ चलते हैं रणथंभौर नेशनल पार्क में सफारी के लिए। तो हमने ऑनलाइन टिकट पहले ही बुक कर लिया था और अब हम पहुंच चुके हैं शिल्पग्राम, जो कि रणथंभौर नेशनल पार्क का मेन ऑफिस है। यहाँ पर आपको ऑनलाइन टिकट शो करना पड़ता है, चाहे आपके पास पीडीएफ फॉर्म में हो चाहे प्रिंटेड फॉर्म में, आपको यहाँ शो करना पड़ता है। उसके बाद आपको बोर्डिंग टिकट दिया जाता है जिसमें आपके गाइड और जिप्सी का नंबर होता है। तो यहाँ पर इस विंडो पर आपको अपनी जिप्सी का नंबर अनाउंस करना पड़ता है कुछ इस तरह से। उसके बाद आपको अपना जो जिप्सी वाले हैं वो आपको अप्रोच करते हैं। जिप्सी 1645। तो माइक में अनाउंस करने के बाद हमें अपनी जिप्सी और गाइड मिल चुके हैं। ये हमारी जिप्सी है, इसमें हम जाने वाले हैं जोन नंबर 5 के लिए। सफारी में आगे बढ़ने से पहले हमें अदर टूरिस्ट का होटल से पिकअप लेना होता है। एक जिप्सी में 6 पर्सन्स की सीट्स होती हैं। तो यहाँ पर हम 2 जने तो पहले ही हो गए, अब बचे 4 सीटें। तो 4 सीटों का हम यहाँ होटल से पिकअप लेते हैं और फिर चलते हैं सफारी के लिए। यहाँ से हम प्रवेश कर रहे हैं सफारी के लिए। अभी हम सफारी के लिए आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये एक कॉमन रास्ता है जिसको फॉलो करते हुए हम आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। ये कॉमन रास्ता जाता है रणथंभौर फोर्ट के लिए और साथ ही 1-5 जोन का ये कॉमन रास्ता है, यानी कि 1-5 तक जो जोन्स हैं वो फोर्ट के इलाके में हैं। आज हमारा जोन है जोन नंबर 5, जिसके लिए हम जा रहे हैं इस कॉमन रास्ते को फॉलो करते हुए। यहीं से आप देख सकते हैं इस रास्ते की नेचुरल ब्यूटी, बहुत ही खूबसूरत सा रास्ता है जिसे फॉलो करते हुए हम आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। कुछ ही देर में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है जहां से जो जोन्स के रास्ते हैं वो बदलने वाले हैं। जोन नंबर 1-5 के अलग अलग रास्ते हैं जिन्हें फॉलो करते हुए हमें पर्टिकुलर जोन में जाना होता है। वैसे अभी आप इस कॉमन रास्ते में देख सकते हैं कई सारे श्रद्धालु जो कि जा रहे हैं भगवान गणेश जी के दर्शन के लिए, क्योंकि आज है वेनसडे यानी कि बुधवार, जो कि गणेश जी का वार होता है। तो आज सभी श्रद्धालु जा रहे हैं रणथंभौर फोर्ट में स्थित भगवान गणेश जी के सुप्रसिद्ध मंदिर में दर्शन के लिए। तो अब हम पहुँच चुके हैं उस कॉमन पॉइंट पर जहाँ से जोन्स का डिविज़न स्टार्ट होता है। जो रास्ता अभी आप देख रहे हैं ये जोन नंबर 4 और 5 का कॉमन रास्ता है। यहाँ से जोन नंबर 1, 2 और 3 के अलग अलग रास्ते हैं जो कि डिवाइड होते हैं। तो अब यहाँ से हम प्रवेश कर चुके हैं जोन नंबर 5 के लिए। अभी तो ये कॉमन रास्ता चल रहा है 4 और 5 का। एक पॉइंट आएगा जहाँ से डाइवर्जन होगा, 4 जो है जोन वो इधर की तरफ जाएगा और 5 जो है वो सीधा जाएगा। देखिए यहाँ पर नॉर्मली पिकॉक तो रणथंभौर में कॉमन है, जो कि बहुत ईजीली दिख जाते हैं। काफ़ी सारे मोरों और हिरण की मात्रा यहाँ पर है। तो अभी हम सभी लोग इन्जॉय करते जा रहे हैं सफारी में। काफ़ी एंटरटेनिंग और काफ़ी एक्साइटिंग जर्नी है। देखिए काफ़ी एंटरटेनिंग और काफ़ी एक्साइटिंग जर्नी है, मॉर्निंग सफारी के दौरान है। अभी सुबह 6-9 का शिफ्ट है और काफ़ी अच्छा फील हो रहा है जंगल के दौरान इस सफारी में। तो देखिए यहाँ पर अभी सनराइज़ हो रहा है, आप यहाँ पर देख पाएंगे जिस माउंटेन के पीछे। थोड़ा सा सन है तो डार्कनेस थोड़ी आएगी, लेकिन सनराइज़ बहुत ही खूबसूरत लग रहा है माउंटेन के पीछे से। देखिए यहाँ पर वो डाइवर्जन आ चुका है जोन नंबर 5 और 4 का। ये जो इधर यहाँ पर जिप्सी जा रही है, ये जा रही है जोन नंबर 4 में और अभी हम जाएंगे सीधे इस रास्ते को फॉलो करते हुए जो कि जा रहा है जोन नंबर 5 के लिए। देखिए जो अभी हम एरिया देख रहे हैं एक 360 व्यू के अंदर, ये है जोन नंबर 5 का एरिया। हम जोन नंबर 5 में चल रहे हैं, 4 पीछे रह चुका है। जोन नंबर 5 एक यूनिक एरिया है और यहाँ पर अभी टाइगर साइटिंग के चांसेस काफ़ी अच्छे हैं। टाइगर और लेपर्ड के चांसेस हो सकते हैं और अभी सुबह मॉर्निंग के सफारी में, क्योंकि जब सुबह सुबह का टाइम होता है तो वाइल्ड एनिमल्स के एक तरह से मूवमेंट का टाइम है ये, क्योंकि वो इस ठंडाई के मौसम में मूवमेंट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए अभी बहुत अच्छे से हिरणों की साइटिंग हो रही है, वाइट स्पॉटेड डियर्स जो कि अभी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। दीज आर द वाइट स्पॉटेड डियर्स जो कि अभी हम देख रहे हैं। यहाँ पर सांबर डियर नज़र आ रहे हैं, फीमेल सांबर डियर है। ये देखिए थोड़ा सा दूर है पर सांबर डियर। गाड़ी देख के भी हो गाड़ी देखते हुए सर, अभी हम टाइगर की स्पॉटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कैसे ढूंढ रहे हैं हम टाइगर को, किस तरह से तरीके होते हैं कि हम टाइगर को ढूंढ सकते हैं जंगल में? देखिए जंगल में जैसा कि आप जानते हैं जंगल में टाइगर अकेले रहते हैं जी, टाइगर को झुंड में रहना नहीं पसंद है जी। तो टाइगर सिर्फ झुंड में, 2-4 टाइगर एक साथ तब दिखाई देंगे जी जब या तो माँ के साथ बच्चे होंगे जी, या मेल और फीमेल साथ होंगे जी जी। उससे अधिक टाइगर ज़्यादा साथ दिखाई नहीं देते जी जी। इसलिए
अब अकेले अकेले टाइगर को जंगल में ढूंढना एक अपने आप में मुश्किल काम है जी। तो ऐसे में दो तरीके हैं जी। एक तो है कि आप जंगल में टाइगर के पैर के निशान देखते हो जाइए जी। पैर के निशान जहाँ आपको ताज़ा दिखाई देते हैं उस जगह के आसपास जहाँ वो गायब हो रहे हों उसके आसपास टाइगर के होने की संभावना होती है जी। दूसरा तरीका है कि जंगल में जब टाइगर कहीं भी होता है और अगर उससे कोई भी दूसरा जानवर देखता है जी। जिसकी जान को टाइगर से खतरा है जी। वो जानवर एक अलग आवाज़ करता है जी। उसे वार्निंग कॉल कहते हैं। वो सबको बताता है कि भाई यहाँ पर टाइगर आ गया, अलर्ट करता है। उस कॉल को सुन के ही आइडिया लगाया सकता है कि बाघ यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, ये दो ही तरीके हैं, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। देखिए यहाँ पर सामने नेवला भाग के जा रहा है, नेवला मैंगोज वहाँ से भागते हुए जा रहा है। ये शुभ होता है ना? शुभ होता है, शुभ होता है नेवला। ये देखिए नेवला ये भाग के गया, भाग के जा रहा है। यहाँ पर देखिए बहुत ही सुंदर सा सीन है, कई सारे सांबर डियर। अच्छा, सभी मेल है? हाँ, पूरा मेल ग्रुप है। अच्छा, ये सारे सांबर डियर मेल हैं, कईयों के सींग थोड़े से छोटे हैं, गिर गए। अच्छा अच्छा, नए आ रहे हैं, इस वजह से कई आपको ऐसा लगेगा देखने में। हमको भी यहाँ पे थोड़ा सा धोखा हो गया क्योंकि फीमेल लग रही है, लेकिन बहुत छोटे छोटे सींग हैं, नए आ रहे हैं, इस वजह से ऐसा लगेगा कई बार कि ये फीमेल है। इंडियन पित्ता इसी महीने में आता है, जून में। अच्छा, ये बर्ड का नाम है ना? इंडियन पित्ता, अब ये यही रहेगा तो 2-3 महीना फिर चला जाएगा वापस। कहाँ से आया है ये? ये साउथ इंडिया से। अच्छा, साउथ इंडियन बर्ड है ये, माइग्रेटिव है मतलब। सो नाउ वी आर गोइंग डीप डाउन इन द फॉरेस्ट फॉर द सर्च ऑफ टाइगर। यहाँ से जो है वो घने जंगल की शुरुआत हो चुकी है, आप यहाँ पर देख पाएंगे घना जंगल जो है वो यहाँ से शुरू हो चुका है, और धीरे धीरे हम जंगल के अंदर बढ़ते जा रहे हैं जहाँ पर टाइगर के दिखने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि अंदर वाटर पॉन्ड्स भी हैं, कुछ वाटर होल्स हैं जहाँ पर टाइगर पानी पीने आ सकता है, या फिर वहीं पर पानी में के आसपास वो कहीं दिखाई दे तो वहीं चल रहे हैं उसी स्टैंड पर जहाँ पर हमें शायद टाइगर की साइटिंग हो सके। भालू के पैर के निशाने, जिस भालू पीछे की ओर गया है ये छोटे वाले ना? नहीं, अच्छा ये बड़े वाले। अच्छा अच्छा, आदमी के जैसे। सर एक क्वेश्चन है कि कई लोग बोलते हैं कि ये जो वाइल्ड लाइफ टूरिस्ट में सफारी है वो जंगली जानवरों को डिस्टर्ब करती है, प्रॉब्लम करती है, तो आपका क्या इस पे पॉइंट ऑफ व्यू है? ये गलत है। देखिए मेरे हिसाब से जी, जो ये रोड है जी, आप देख रहे हैं जी, ये रोड सीधा रोड है जी जी, अगर किसी को इससे डिस्टर्बेंस है जी तो वहाँ क्यों भी चला जाता है? सही बात है, वो यही क्यों बैठा है? सही बात, पूरा इलाका खाली है ना, इलाका खाली तो टाइगर के पास इतना इनफ स्पेस है इस जंगल में जी, कि अगर उसे हमसे परेशानी है तो हमसे दूर चला जाएगा, वो हमारे पास ही क्यों घूमता है? सही बात, हमारे पास घूम रहा है इसका मतलब ये है कि उसको हमसे परेशानी नहीं है जी, जी। वो हमसे कंफर्टेबल है जी। और आप एक चीज देखिए कि पूरे हिंदुस्तान में इतने जंगल हैं, टाइगर वही सुरक्षित है जहाँ पर्यटन है। जहाँ पर्यटक नहीं जा रहा है जरा जाके देखिए, वहाँ टाइगर की संख्या लगातार गिरती जा रही है, खत्म हो चुकी है। अच्छा, जहाँ पर्यटन चल रहा है टाइगर वहीं बढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि टूरिज्म जो है टाइगर की संरक्षण के लिए आवश्यक चीज़ है, सपोर्टिव है, हमेशा हेल्प करता है, क्योंकि आपकी और हमारी इतनी सारी आंखें रोजाना देख रही हैं जी, जी। कि अगर यहाँ कुछ भी गलत होता है तो एक दिन में नजर आ जाएगा, एक दिन में नजर। जिन जंगलों में कोई जा ही नहीं रहा है जी, जी। वहाँ सरकारी तंत्र कैसा काम कर रहा है, कोई नजर रख रहा है कि नहीं रख रहा है, किसको पता है? जोन 5 में जो सबसे बढ़िया इलाका है उसे बकोला कहते हैं। बकोला एक रिवर बेड है, तो उसमें हमेशा पानी और हरियाली हमेशा रहती है। कूल एरिया है जंगल में टाइगर के लिए, सर खासतौर से गर्मियों के लिए तो विशेष एक तरह से एसी रूम है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वहाँ टाइगर के दिखने की संभावनाएं अधिक से अधिक होती है। अच्छा, मैक्सिमम टाइगर और अन्य वन्य जीव तो वहाँ बहुत, अन्य वन्य जीव नहीं, टाइगर रहेगा तो अन्य कैसे रहेंगे? अच्छा अच्छा अच्छा, अन्य रहेंगे तो टाइगर नहीं रहेगा। अच्छा अच्छा, सही बात है। तो इसलिए जो है टाइगर के दिखने की वहाँ संभावना ज्यादा होना ज्यादा होगा। डांसिंग मोड नजर आ रहा है, जस्ट टर्न हो रहा है, ये देखिए। ऐसे सीन बहुत कम ही देखने मिलते हैं जंगल में, और भी मानसून का सीज़न करीब है। मोर डांस करके बहन को इम्प्रेस करता है इस तरह से। यहाँ आगे एक नीलगाय नज़र आ रही है,
थोड़ी दूर से देख रहे हैं पर पास जाते जा रहे हैं। ये देखिए मेल गाय है पत्तों के पीछे, ब्लू बुल एंटिलर, और ये मेल है यहाँ पर, मेल नील गाय है। आगे जाते जा रही जंगल में, ये वो मंदिर है। अच्छा ये वो मंदिर है, वही गांव वालों वाला ना, कचीदा माता का मंदिर है। अच्छा ये गांव वाले यहाँ अभी भी पूजा करने आते हैं मतलब, देखो ना। हाँ ये देखिए यहाँ पर कई सारे मोर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं, एक तो ये नाच रहा है, एक ये डांस कर रहा है। ये बहुत ही एपिक सीन है, इतने सारे मोर, इतने सारे लाइन से मोर, और आगे भी देखते हैं। ये देखिए आगे अभी मोर नाच रहे हैं, ये मतलब लाइन से चलते जा रहे हैं, इतने सारे मोर एक साथ डांस करते हुए देखना बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर देखिए और भी पिकॉक जो है वो डांस कर रहे हैं, यहाँ पर एक और, ये देखिए पिकॉक कहाँ पे है, जंगली सोर, वोरा डांस, यहाँ पर जंगली सोर दिखाई दे रहा है वो दूर, ये मोर नाच जंगली सोर। यहाँ पर पिकॉक फिर डांस करते हुए देखिए, पिकॉक डांसिंग, यहाँ तो बहुत डांस कर रहे हैं, डांसिंग मोर का पूरा इलाका है ये। यहाँ देखिए बहुत ही पास से देख पा रहे हैं, कसीदा क्या है, अच्छा कसीदा चौकी आई है, पिकॉक डांसिंग, यहाँ पर देखिए एक और मोर डांस कर रहे हैं यहाँ पर। यहाँ तो मोर ही मोर है, हर जगह डांसिंग मोर दिखाई दे रहे हैं, और ये तो बहुत ही पास में, ये देखिए बहुत पास में डांसिंग मोर। ये भगोला का इलाका है क्या, नहीं कसीदा है। अच्छा कसीदा चौक, अच्छा भगोला आगे, ये भी पानी का सोर्स है, यहाँ पर भी टाइगर होने की संभावना हो सकती है। कचीदा चौकी एक फॉरेस्ट चौकी है जो कि जोन नंबर 5 में बनी हुई है। ये देखें यहाँ पर बहुत ही सुंदर सा सीन है, आप यहाँ से एक 360 एंगल के अंदर इसे देख पाएंगे। हम बहुत ही नीचे ढलान में जाते जा रहे हैं, माउंटेन की चढ़ाई करी थी, अब उससे नीचे जाते जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा सा सीन आप यहाँ पर 360 एंगल में देख सकते हैं इसे, बहुत ही खूबसूरत सा इलाका है, और ये घने जंगल का इलाका है और ज़्यादा। यहाँ पर देखिए फीमेल जो हिरन है वो यहाँ पर भागते हुए, फीमेल हिरन का छोटा सा बच्चा भी है यहाँ पर, बेबी हिरन, ये देखिए हिरन भागते हुए। ये देखिए यहाँ पर जंगल ट्रायल का असली मज़ा है, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सा सीन। ये एक रिवर साइड है, मतलब बरसाती नाला कह सकते हैं, ये यहाँ से पानी बहता है, एक अलग एंगल में आप देख सकते हैं इसे। ये बहुत ही खूबसूरत सा इलाका जिससे हम गुज़र रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत, सही में असली जंगल का मज़ा यहाँ है, जब पूरी हरियाली से भरा हुआ है सब कुछ। वाह वाह व्हाट्स अ सीन, रैबिट था, हाँ वाह, बहुत ही खूबसूरत इलाका यहाँ पर आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत सा इलाका है ये। सर इस इलाके को क्या बोलते हैं, कचीदा का इलाका है यहाँ पर। ये नेचुरल पानी है, झरना नेचुरल है ना, अच्छा नेचुरल वाटरफॉल है यहाँ पर, ये देखिए पानी झरने के रूप में यहाँ पर नीचे आ रहा है, और काफ़ी सारे मोर जंगली जानवर यहाँ पर इजीली दिखाई देते हैं। और ये जो पूरा इलाका है ग्रीनरी से भरा हुआ है, आपको डेंस फॉरेस्ट का जो एक्सपीरियंस है यहाँ पर मिलेगा। ये देखें यहाँ पर एक छोटा सा मगरमच्छ है जो मुझे दिखाई दिया है, बेबी मगरमच्छ है, और ये यहाँ पर है, ये देखिए ये यहाँ पर बेबी मगरमच्छ है जो ब्लैक डॉट जैसा दिख रहा है, अभी वो पानी के अंदर है इसलिए प्रॉपर नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन ये जो मुंह निकला हुआ उसका बाहर ये ब्लैक डॉट, ये मगरमच्छ है इस पानी में। ये जो जोन नंबर 5 का इलाका है वो लगभग कितने किलोमीटर का है, ये लगभग 15 किलोमीटर का, मतलब 15 जाना गेट से, 15 आना, 15 जाना, मतलब 30 किलोमीटर की सफारी होती है, और 3 घंटे की सफारी, 3.5 घंटे, 3.5 घंटे, अधिकतम 3.5 घंटे, 9:30 बजे सबको बाहर निकलना, इस समय 6 बजे 9:30 बजे का टाइम है। अच्छा सीजन के हिसाब से बदलता रहता है। अच्छा अच्छा, सर्दियों में 7 से 10:30 होता है। अच्छा अच्छा, अंधेरा रहता है सुबह से। हाँ ये क्या चीज़ है अंकल, नदी है नदी है, अच्छा नदी है, इसमें बारिश की नदी है,
और पानी ज़्यादा नहीं है, सूख चुका है अभी, बारिश के टाइम पे बहुत पानी हो जाता है यहाँ पर। ये देखिए कई सारे स्पॉटेड डियर्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, कई सारे हैं। लेकिन सफारी के दौरान इस तरह से काफ़ी सारी जिप्सीज भी हमें मिलती रहती हैं, जिनसे हम पूछते हैं कि कहाँ पर साइटिंग हो सकती है, कहाँ पर नहीं होती, एक दूसरे से सब पूछा जाता है, ताकि अगर कहीं साइटिंग हो रही हो तो वो बता देते हैं हमको, ही तो हम बता सकते हैं। यहाँ पर कॉल आई है, जस्ट अभी हम वेट कर रहे हैं, क्या ट्राई करिए, लैपटॉप का मूवमेंट हो सकता है। यहाँ पर कॉल है, कॉल है, जस्ट वी आर वेटिंग, हो सकता है। ये देखिए ये रहा टाइगर, बहुत ही पास में आता जा रहा है, बहुत पास से हम इसको देख पा रहे थे। बहुत ही हेल्दी सा टाइगर है, बहुत हेल्दी टाइगर है, वाओ, इतना पास में हम इसको देख पा रहे हैं, यहाँ पर बहुत ही पास में आ चुका है, बहुत हेल्दी टाइगर है, बहुत मोटा सा है। ये देखें यहाँ पर इसकी टेल को इसने ऊंचा किया अभी, और अब ये जाता जा रहा है जंगल के अंदर। कहाँ पानी ऊपर, ये देखिए जंगल के अंदर जाता जा रहा है, ये जंगल के अंदर, और ये गया। देखो अभी अपन गाड़ी चल रहे हैं, हाँ। और अक्षात मात कोई टाइगर इधर से निकल गया, हाँ। तो क्या कहेंगे, ओ टाइगर के पास गाड़ी लेंगे, हाँ, हाँ, हाँ। यही बोलते हैं लोग, यही हाँ? यही बोलते। देखिए हाँ। हम यहाँ खड़े हो गए, हाँ। हमको वहाँ टाइगर दिखा, हाँ, हाँ। ठीक है, हाँ। एक साथ सारे लोग लाइन में आए, हाँ। आगे लाइन लग गई, हाँ, हाँ। अब टाइगर चलते चलते यहाँ गया, गाड़ी पीछे निकल गया, तो इसमें हमारा क्या दोष है? सही बात, अगर उसको हमसे हानि भी नहीं पहुंचा, हमसे परेशानी थी तो क्यों आए साथ ही चढ़ गए, भाग जाता हूँ, वो चला गया यहाँ से कहीं और। अभी जैसे हम यहाँ खड़े हैं, ओके, टाइगर भी जैसे आया, उधर डियर भी खड़ा है जी। अब टाइगर ने वहां से दौड़ लगाई डियर के पीछे, डियर के पीछे। अब हम उसके बाजू में हैं यहाँ, हाँ। मीडिया उस वीडियो को लेके, हाँ। अरे ये देखो टाइगर गाड़ी के पीछे भाग रहा है, हाँ। अरे भाई हम रोज आते हैं, मुझे 25 साल हो गए यहाँ आते हुए, अगर टाइगर मेरे पीछे भागता तो मेरी हिम्मत नहीं होती यहाँ आने की दोबारा, समझ रहे बात, सही बात है। मुझे अब तक खा चुका होता 10-20 जगह, आपको मेरे ऊपर स्क्रैच नजर आते, मैं सुरक्षित हूँ ना अभी तक, टाइगर पीछे नहीं भागता, कोई किसी के पीछे नहीं भागता, सब बुरा मुझे चल रहा है। पर्यटक को अगर हानि पहुँचाते टाइगर तो आप लोगों को ऐसी खुली गाड़ी में कौन आने देता है, खुली गाड़ी में कौन भेजता, तो सही बात है, अगर टाइगर आ रहा है तो आ रहा है, अपनी मर्जी से जा रहा है, सही इसमें हमको क्या दिक्कत है, कि टाइगर को कोई दिक्कत है तो बताइए, हाँ। मतलब कोई दिक्कत नहीं तो हाँ। लोगों को नहीं होनी चाहिए, हाँ। हमारा तो उल्टा इनकी रक्षा करना हमारा फर्ज है, सही बात। ये देखिए मोर यहाँ पर काफी सारी मात्रा में डांस करते हुए नजर आ रहे हैं, ये मोर तो फ्लाइट करते हुए गया, उड़ते हुए गया, थोड़ा बहुत मोर भी उड़ लेते हैं, ज्यादा नहीं पर थोड़ा बहुत। तो यहाँ पर कुछ सारस टाइप के बर्ड्स हैं, लंबी चोंच वाले, यहाँ पर सारस टाइप के बर्ड हैं, और यहाँ पर बहुत सारे सांबर डियर और नॉर्मल डियर भी हैं, जो स्पॉटेड डियर हैं, ये सांबर डियर खड़ा है यहाँ पर। सर ये जो यहाँ का वेजिटेशन है, मतलब जो फॉरेस्ट है, वो मोस्टली कौन से पेड़ों का है? देखिए ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट है ये जी, यहाँ जो मेजर मेजोरिटी ऑफ ट्री है वो धोख का पेड़ है, जो सारे अच्छा। पेड़ हुए, हाँ हाँ यहाँ धोख के पेड़ हैं, अच्छा अच्छा, इसकी लकड़ी जो है बहुत जलाऊ होती है जी, और इसके पत्ते बहुत पौष्टिक होते हैं, अच्छा, तो इसके जो पत्ते जब बारिश आती है, हाँ। तो तुरंत नए पत्ते आ जाएंगे, कुछ 3-4 महीने में सूख के गिरना शुरू कर देते हैं, अच्छा अच्छा, तो ये गिरे हुए पत्ते ही यहाँ के जो हिरन है उनका मुख्य भोजन है, अच्छा अच्छा अच्छा, गिरे हुए पत्तों से सारे जीवन जी रहे हैं, अच्छा, और बारिश के बाद तो ग्रीनरी जाते हो, ये ग्रीन हो जाएगा पूरा, लश ग्रीन हो जाएगा यहाँ से। सर भकोला जोन की शुरुआत हो गई, ये ग्रीन वाला एरिया भकोला है पूरा आसपास, अच्छा अच्छा अच्छा, ये पूरा जोन भकोला है, यहाँ पर टाइगर के दिखने के चांसेस हो सकते हैं, बहुत ही ग्रीन और बहुत ही सुंदर सा है ये एरिया। यहाँ देखिए एक रिवर बह रही है, एक नदी है जो यहाँ से बह रही है, और इस इलाके में बहुत ठंडाई होती है, टाइगर के दिखने के चांसेस यहाँ हो सकते हैं। ये देखिए बहुत ही सुंदर सा इलाका भकोला, रैबिट है यहाँ पर, एक रैबिट, ये रहा रैबिट, पानी पी रहा, नदी है ये, अच्छा अच्छा, ये 12 महीना पानी रहता है, अच्छा 12 महीना पानी रहता है यहाँ,
नदी कौन सी? मतलब नदी का नाम अच्छा, जंगल का बरसात की नदी अच्छा, है, अच्छा अच्छा पूरा पानी आता है जबरदस्त। हाँ हाँ, देखिए यहाँ पर बहुत ही सुंदर सा सीन है जो कि अभी हम देख रहे हैं जोन नंबर 5 रणथंबोर नेशनल पार्क में। और यहाँ बहुत ही सुंदर सी, यह देखिए अभी आपको मैं बहुत पास से जो मधुमक्खियाँ वो दिखाऊंगा, ये देखिए बहुत पास से। और ये जो इलाका है बहुत ही सुंदर ग्रीनरी से भरा हुआ है। टाइगर लव दिस कोल्ड प्लेसेस टू लाइव, यहाँ पर टाइगर दिखना बहुत कॉमन है क्योंकि यहाँ पर इतनी ठंडाई है जो कि टाइगर के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल इन्वायरमेंट है। और हर तरफ से यहाँ पानी ही पानी है। देखिए ये है जंगल का एक्चुअल एरिया जहाँ पर हम देख पा रहे हैं अभी इस फॉरेस्ट को पूरे प्योर नेचुरल कंडीशन में। ये देखिए मैं आपको थोड़ा सा आगे से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ इस व्यू को, आप आगे से देखिए बहुत ही सुंदर सा एरिया है। देखिए ये बहुत ही सुंदर सा इलाका भकोला एरिया जोन नंबर 5। ये जिप्सी जहाँ पर खड़ी है इसके जस्ट आगे जो रास्ता जा रहा है वो जोन नंबर 4 का है, और अभी हम जिस एरिया में हैं वो है जोन नंबर 5 का। देखिए पूरा का पूरा एक डियर फैमिली है जो कि अभी पानी पीने जा रहे हैं। एक एक करके सारे हिरन आते जा रहे हैं ऐसे देखे धीरे कर, अरे 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 भागते हुए आ रहा है कुछ तो पूरे डियर फैमिली। अच्छा पूरी डियर फैमिली आ रही है, मंकीज भी बैठे हुए हैं आराम से, काफ़ी सारे स्पॉटेड डियर्स हैं जो कि यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए बहुत ही सुंदर सा रास्ता है जिससे होकर हम गुजर रहे हैं। अभी हम ढलान की तरफ उतरते जा रहे हैं और यहाँ से देखिए ये ऊपर का रास्ता ये ऊंचाई सा था और यहाँ पर ये नीचे वाला रास्ता, अभी हम चढ़ के आए हैं इस ढलान को। ये जंगल साल में 3 बार कलर बदलता है। अच्छा 3 बार, एक बार पूरा अभी बारिश आएगी तो ग्रीन हो जाएगा जी, उसके बाद पत्तियाँ सूखने लगेगी जी, तो पत्तियाँ सूख के लाल हो जाती है। अच्छा तो जंगल लाल लाल लगेगा। अच्छा अच्छा, और उसके बाद जब पत्तियाँ गिर जाएंगी हाँ, तो अब ये ग्रे ग्रे दिखेगा, ग्रे ग्रे जी दिखेगा। अच्छा अच्छा, 3 टाइम्स कलर चेंज करता है। अच्छा ये कत्थे के पेड़ है जो पान का कत्था लाल कलर देता है। अच्छा अच्छा पलाश, अच्छा पलाश, अच्छा और ये इसमें से जो फूल आते हैं पलाश के फूल पेड़ जो होली का कलर बनता है। अच्छा अच्छा अच्छा, होली का कलर भी बनता है और पत्तल दूने भी बनते हैं इससे पलाश। देखिए जंगल सफारी एक बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है एक जू एक बायोलॉजिकल पार्क के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई भी जंगली जानवर एक पर्टिकुलर लोकेशन पर नहीं मिलता कि आप कोई भी पिंजरे में कोई भी केज में जाकर देखेंगे कि ये जानवर देखना वो दिख जाएगा। यहाँ पर आपको ढूंढना पड़ता है पूरे के पूरे फॉरेस्ट में, क्योंकि कोई भी जंगली जानवर कहीं पर भी हो सकता है किसी भी लोकेशन पर, तो उसको किस तरह से ढूंढते हैं उसके अलग अलग तरीके होते हैं हर जंगली जानवर के, तो उस तरह से आपको ढूंढना पड़ता है और फिर देखना पड़ता है। इसी वजह से सबसे एडवेंचरस चीज़ होती है सफारी, जहाँ पर नेचुरल एनवायरनमेंट में नेचुरल कंडीशन में आपको ये टास्क मिलता है कि आपको जंगली जानवर को ढूंढना है और देखना है। देखिए जंगल सफारी के दौरान ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ टाइगर ही यहाँ पर देखने मिले, और भी बहुत सारे जंगली जानवर आपको यहाँ दिखते हैं। जंगल सफारी के दौरान सबसे बड़ी एक्सपीरियंस की बात होती है कि आप जंगल में हैं, आप कुछ ऐसा देख रहे हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड है। कोई भी जंगली जानवर कभी भी निकल के कहीं पर भी आ सकता है, कुछ भी सीन कभी भी हो सकता है। जंगल सफारी के दौरान कुछ भी चीज़ सेम नहीं होती, जब भी आप आएंगे कुछ नया एक्सपीरियंस लेके जाएंगे। अब यहाँ से आप देखिए बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा है, क्योंकि ये पानी के पास हम आ चुके हैं और यहाँ पर ग्रीनरी बहुत अच्छी है। अभी आप इसको इस नज़ारे को देख सकते हैं एक 360 व्यू में, बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा है। और धीरे धीरे हम और ज़्यादा डीप जाते जा रहे हैं इसमें, और ये देखिए बहुत पास में पेड़ पौधे निकलते हैं, बहुत अलग ही एक्सपीरियंस है। ये देखिए बहुत पास से पेड़ पौधे, और यहाँ पर आगे स्पॉटेड डियर्स भी हैं और मंकीज़ भी हैं जो कि रोड पर नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल रोड पर ही हैं। ये देखिए बहुत पास में स्पॉटेड डियर्स, अभी देख के थोड़े से भाग गए, ये जा रहे हैं स्पॉटेड डियर्स। यहाँ पर एक गोरिल्ला जा रहा है, मॉनिटर लिजर्ट, ये रहा बहुत बड़ा सा, ये देखिए रेप्टाइल एक अंदर घुस गया, घुस रहा है पत्थर के नीचे। देखिए सफारी के दौरान एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर आप जिप्सी से उतर सकते हैं, पूरे फॉरेस्ट में कहीं भी अलाउड नहीं होता कि आप उतर सकें, लेकिन यहाँ पर आप उतर सकते हैं। देखिए हम जिप्सी से उतर रहे हैं, यहाँ पर टॉयलेट के लिए सुविधा बनी हुई है, टॉयलेट पानी की सुविधा है जो कि आप यहाँ पर कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर सांबर डियर बैठे हुए हैं बहुत पास में, यहाँ देखिए कई सारे सांबर डियर बिल्कुल शेड में बैठे हुए हैं, बहुत सुंदर सा सीन है जो हम देख पा रहे हैं अभी। ये देखिए बहुत सुंदर सा सीन है, सांबर डियर और ये पेड़,
बिल्कुल नेचुरल जंगल सफारी। नील गाय, ब्लू बुल, उसका भी अर्थ बताऊं? जी हाँ। ये पहले अपन हिंदी नाम है रोजड़ा, रोजड़ा तो इसको खा रही थी पब्लिक। अच्छा। तो जिसकी जनसंख्या घटने लगी, हाँ हाँ, फिर गवर्नमेंट ने कर दिया नील गाय। नील गाय, अच्छा, गाय की वजह से अब नहीं खा रही। हाँ। सर टाइगर की लाइफ कितनी होती है अप्रॉक्स? लाइफ देखिए ऑन द एवरेज जो लोग 15-16 बताते हैं जी, मगर जो है मेरे हिसाब से 15-20 के बीच में होती है। 15-20 के बीच। जू में और जंगल में अंतर होता है ना इनकी लाइफ? हाँ, जू में और जंगल में अंतर होता है। कारण ये है कि जंगल में कॉम्पिटिशन ज़्यादा है जी, जंगल में आपको फीड करने वाला कोई नहीं है जी, ठीक है। तो बुढ़ापे में जब आप ओल्ड एज हो जाएंगे तो शिकार नहीं कर पाएंगे जी, तो ऐसे में आपको खाना कौन देगा जी, सही बात। तो आपके मरने की संभावना ज़्यादा हो जाती है, जबकि जू में आपको समय समय से खाना मिलता है जी, तो डॉक्टर भी मिलते हैं, बीमारी का इलाज करने के लिए सारी सुविधाएं मिलती है। अच्छा, अच्छा। तो ऐसे में आपका VIP ट्रीटमेंट हो जाता है। हालांकि वो जेल में है बट एटलीस्ट आपको जिंदा तो रख लेते हैं। यहाँ रणथंभौर नेशनल पार्क में इस तरह से जिप्सीज एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं कि किसी को साइटिंग हुई क्या, अगर साइटिंग हुई तो वो बताते हैं, अगर नहीं हुई तो बताते हैं किस डायरेक्शन में हुई। इस तरह से जिप्सीज के साथ बताया जाता है। सर जिस एरिया में चल रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? ढाकड़ा। ढाकड़ा का इलाका। अच्छा 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 अच्छा। ये धोख के पेड़ की वजह से इस इलाके का नाम रखा है। यहाँ पर एक आर्टिफिशियल वाटर होल बना रखा है इसी तरह से, जो कि जंगल में कई सारे हैं ये, ताकि जंगली जानवर पानी पी सके। यहाँ पर देखिए ये एक गोयली है जो मॉनिटर लिजर्ड यहाँ पेड़ पे चिपकी हुई है। अभी बहुत तेज़ भागी थी एकदम से, ये देखिए चिपक गई, बिल्कुल साइलेंट हो गई है। पेड़ के कलर की यहाँ पर दिख रही है, पत्तों के बिल्कुल साइड में और पेड़ से चिपकी हुई, बहुत बड़ी है मॉनिटर लिजर्ड। ये क्या खाते हैं सर? कीड़े मकोड़े। देखो गति कर रही और नीचे उतरी, भागी वो, भागी वो, भागते हुए जा रही, वो देखिए वो भागती हुई जा रही है, वो रे पत्ते के पीछे वो जा रही है। ये बच्चियों, ये अंडे खा जाती है, अंडे। अच्छा अच्छा, पक्षियों के अंडे खा, छोटे पक्षी, कीड़े वीड़े। हाँ, फिर दिखाई दे रहा है टाइगर, इतना बड़ा टाइगर देखिए, पूरा टाइगर पानी में बैठा है। ये रहा टाइगर, वाह वाह, क्या टाइगर बैठा है, वाह, इतना बड़ा टाइगर देखिए यहाँ पर, मेल टाइगर पानी में बैठा हुआ, वाह, देखिए टाइगर पानी में बैठा है यहाँ पे, ये देखिए वो टाइगर रहा पानी में, बहुत मेल टाइगर है सर? हाँ मेल है। मेल टाइगर, क्या नाम है इसका? 121। अच्छा, ये देखिए मेल टाइगर 121, काफ़ी अच्छा सा नज़र आ रहे हैं आप। ये देखें यहाँ पापा देख रहे हैं, मेल टाइगर 121 है इसका नाम। यहाँ देखिए बहुत ही मोटा सा टाइगर है, पानी में बैठा हुआ है यहाँ पे, ये देखिए, वाह कितना मोटा टाइगर है। ये देखिए बहुत ही अच्छी साइटिंग हो रही है हमको टाइगर की, इतना गबरू है ये बिल्कुल। ये देखिए थोड़ा आराम कर रहा है ये, ये देखिए यहाँ पर सभी लोग देख रहे हैं मेल टाइगर 121, देखे सभी टाइगर लोग देख रहे हैं टाइगर, ये देखे सभी लोग देख रहे हैं वहाँ पर टाइगर है, हो रहा टाइगर बैठा हुआ पानी में, अगर ये मूवमेंट शो करेगा तो हमें दिखाई देगा। मोटा तगड़ा टाइगर, काफी मोटा टाइगर, मेल है, मेल है, मेल टाइगर है, तगड़ा कम दिखता है। अच्छा, ये रेयर साइटिंग है बहुत। चलो सर टाइम हो गया, 2 मिनट और रुक जाओ ना सर, बस ले ले शॉट। देखिए यहाँ पर हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं, क्योंकि एंड ऑफ द सफारी में हम इसको साइट कर रहे हैं। बहुत अच्छा साइटिंग हो रही है यहाँ पर, देखिए इसका मूवमेंट भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर सभी हम लोग टाइगर देख रहे हैं, बहुत अच्छी साइटिंग हुई है टाइगर की यहाँ पर जोन नंबर 5 में। काफ़ी जूम करके देख रहे हैं क्योंकि देखिए बहुत दूर है ये, देखिए इसने अपनी हेड यहाँ पर टर्न करी, ये देखिए यहाँ से थोड़ा सा आगे ले रहे हैं, आगे से देखने की कोशिश करेंगे। ये देखिए मेल टाइगर यहाँ से अच्छा आएगा, ये देखिए बहुत अच्छा आ रहा है यहाँ से सीन। टाइगर को ठंडी प्लेसेस पसंद है रहने के लिए, बॉडी ठंडी कर रहा है। कहीं से चल के आया होगा ये? अच्छा, पहाड़ी पर से उतर के यहाँ पानी में आके लेट गया।
बहुत ही क्लोजअप में देखें, कान हिला रहा टाइगर, एक स्क्वेरल भी उसके पास में और कुछ बर्ड्स वगैरह भी हैं। लेकिन हमारा टाइम जो है वो ख़त्म होने जा रहा है, जस्ट कुछ ही देर देख पाएंगे हम इस टाइगर को यहाँ पर। देखिए मूवमेंट कर रहे हैं। हाँ सर चलते हैं, ये देखिए बैठा हुआ है यहाँ पे, मूवमेंट कर रहा है। हम ज़्यादा देर नहीं देख पाएंगे लेकिन साइटिंग अच्छी है, काफ़ी क्लोज में देख रहे हैं टाइगर को, काफ़ी अच्छा सा सीन। सही बात है, सही बात है, पर इसको कोई परेशानी नहीं है, ये बैठा हुआ है। हाँ 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 देखिए बहुत ही अच्छा सा सीन। हम जा रहे हैं अब टाइगर को यहाँ से छोड़ कर क्योंकि टाइम हो चुका है, लेकिन टाइगर की साइटिंग बहुत गजब की हुई है, बहुत अच्छी साइटिंग थी। पूरा टाइगर देखे अभी तक दिखाई दे रहा हमको, हम छोड़ के आए इसको, लेकिन हिरन है अलग से ही सीन है उसका। इसके ऊपर एक पक्षी बैठ के जा रहा है, हिरन के ऊपर, हिरन की सवारी पक्षी के द्वारा। ये है कोतवाल, हाँ पक्षी बैठा है, ये कोतवाल है। अच्छा ये सवारी करता है। हाँ स्पॉटेड डियर्स, ये पिकॉक बहुत ही पास से देखते हुए हम इसको, ये हिरन यहाँ पर पानी पी रहा है। वाइल्ड बोर, हाँ वो रहा वाइल्ड बोर, जंगली सुअर पुम्बा हकुना मटाटा वाइल्ड बोर, वाइल्ड बोर वाइल्ड पिग। पानी है ना यहाँ पे, अच्छा पानी पीते हुए ये देखिए कई सारे हिरन, कई सारे यहाँ पर हिरन, कई सारे हिरन यहाँ पर स्पॉटेड डियर। ये है ऑलरेडी, ये कैमरा लगा रखे हैं यहाँ पर इस तरह से ताकि टाइगर की मतलब वो देखभाल या ट्रेनिंग टाइगर की सेंसस के लिए, काउंटिंग के लिए। देखिए यहाँ पर कई सारे सांभर डियर एक साथ बैठे हुए नजर आ रहे हैं शेड में, इधर है कोई, मुंह इधर है कोई, इधर है, वो चौकर ना रहते हैं। अच्छा 360 एंगल बिठा के बैठे हैं ये, कि कहीं से आवाज़ आ जाए या स्मेल आ जाए। इनकी स्मेलिंग पावर अच्छी होती है ना सर? हाँ ये इनको दिखता कम है। अच्छा दिखता कम है, नजदीक आएगा तो ही दिखेगा, तो ही दिखेगा, तो इसकी कॉलिंग को हम पक्का मानते हैं, पक्का मानते हैं। वुली मतलब वाइट, वाइट नेक स्टॉक। अच्छा अच्छा वाइट नेक स्टॉक, सफेद गर्दन वाला स्टॉक है ना। अच्छा अच्छा देखिए अब वापस से वो गेट आ चुका है जहाँ से हमने प्रवेश किया था जोन नंबर 5 के लिए। ये फॉरेस्ट चौकी है सामने के सामने और ये वो गेट है जहाँ से हमने प्रवेश किया था सफारी के लिए। अब उसी गेट से बाहर की ओर जा रहे हैं क्योंकि हमारा सफारी का टाइम अब एंड हो चुका है। देखिए रणथंभौर नेशनल पार्क की टिकट बुकिंग कैसे की जाती है, कैसे आप ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं, इसके ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया जिसमें हमने डिटेल में स्टेप बाय स्टेप ये बताया कि कैसे आप टिकट बुक कर सकते हैं गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से ऑथेंटिक प्राइजेस के साथ। और बाकी सारी जानकारी भी हमने प्रोवाइड की है कि कहाँ से आपको टिकट, बोर्डिंग टिकट मिलता है, शिल्पग्राम कहाँ पर है, कितनी दूर है, जहाँ जो कि रणथंभौर नेशनल पार्क का मेन ऑफिस है वो कहाँ पर है, सारी जानकारी हमने उसमें प्रोवाइड की है। तो उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखें, ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर उस वीडियो को जरूर देखिए, आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। देखिए ये था हमारा रणथंभौर नेशनल पार्क का जोन 5 की सफारी, बहुत अच्छी साइटिंग हुई, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, हमें काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर। आपको ये एक्सपीरियंस कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहें। स्वागत करते हैं। अच्छा।